ये जिनको तू देखती है वो वैसे नहीं है। हाँ वो तुमसे कहेंगे मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, और उसके बाद अपने ही फोन्स में पासवर्ड्स रखेंगे जो खुद की माँ से झगड़ते हैं, वो सोचो तुम्हें क्या खुश रखेंगे। सोचो ये लोग अपने बाप को भी घर से निकाल देंगे जब वो कमाना छोड़ देंगे। सैडली बनते हैं भगवान जैसे लेकिन असलियत में हैवान से भी बदतर। वो तुमसे कहेंगे मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो, और पीछे 17 लड़कियों के दिल तोड़े होते हैं। फिर भी इन हैवानों को अफसोस कहाँ, जब मैं इनसे मिलता हूँ ना पूछता हूँ कि अब क्या, तो बोलते हैं कल दूसरी आ जाएगी। वाओ इनकी जिंदगी से अगर इनके बाप को हटा दो तो ये लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताड़ी आने से मैच्योरिटी नहीं आती ब्रो, उसके लिए हालात और जिम्मेदारी जरूरी है, जो कि मेरे पास 8 साल से है। ये सोसाइटी बहुत ही खराब है, इन लोग के मुंह पे हंसी भी दूसरों का दुख देख के आती है। और हाँ मैं दिखाने में मानता हूँ, जताने में नहीं। हाँ मैं भगवान के स्टेटस नहीं डालता, पर मैं मेरे घर के लिए जलाता हूँ। हाँ मैं आई लव माई फैमिली ऑन इंटरनेट नहीं करता, पर मैं उनके काम आता हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ, फेक नहीं तुम्हारी तरह। अपने अपने बाप से कुछ मांगता भी नहीं मैं, फ़ोन भी उसको ना खुद के कमाई का। और मुझे तो अपने से कंपेयर मत कर, क्योंकि तुम बड़े हुए हो शांति और फूलों के बगीचे में, जहाँ मैं गंदे गंदे अब्यूज़ में। तुम्हारे दोस्त क्वांटिटी में है लेकिन मेरे क्वालिटी में। मेरा फ्री टाइम भी प्रोडक्टिव होता है, जब तुम सो रहे होते हो तब मैं काम कर रहा होता हूँ, जब तुम उठ रहे होते हो तब मैं कुछ बना चुका होता हूँ, जब तुम दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो तब मैं काम कर रहा होता हूँ। मेरे एक्सपेंसेस तुम सभी से कम है। मानता हूँ मैं पीछे ना समझता, पर अब मैं वो हरकतें नहीं करता। करते रहूँगा ग्राइंड जब तक सफलता ना मिले, इसलिए मैं मज़े नहीं करता। ये लोग खूबसूरत नहीं, इनके पास बस पैसा है। जब तक तुम्हारा टाइम अच्छा तब तक कहते हैं भाई तू कैसा है। जो तुम मुझे वीडियोस में देखते हो वो मैं हूँ नहीं, जॉनी जॉनी यस पापा बोल के तुम लोगों को हंसा नहीं सकते, क्योंकि ये जमाना ही ओपन योर माउथ वाला है। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसा हूँ रियल लाइफ में, तुम मुझे मिल तो सही, मिल तो सही। मैं बिना रीजन काम और बात दोनों नहीं करता, सच्चे दोस्तों के लिए जान दूं लेकिन झूठों के लिए फक भी नहीं देता। बस मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ, बस फिर तुम गिनना ये लोग कितना झूठ तुमसे बोलेंगे मेरे बारे में, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है और अब मैं नहीं चाहता ऐसा फिर से हो। बहुत दर्द होता है। वो लोग तुमसे बहुत झूठ बोलेंगे मेरे बारे में, क्योंकि एक बात याद रखना, जब भी हीरोज स्टोरी सुना रहे होते हैं तो विलन्स को कभी अच्छा नहीं दिखाते, लेकिन जब भी तुम वही स्टोरी विलन के मुंह से सुनो तब तुम्हें सच्चाई पता चलती है। दिन रात हर समय तेरी याद आती है, जब जब तू मेरे पास होती है तो लाइफ बहुत कंप्लीट फील होती है, जब जब तू मेरे पास होती है
ऐसा लगता है और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। रोज़ भगवान से दुआ करता हूँ कि एक दिन तो हम साथ होंगे, और बस वो दिन की मैं आज भी वेट कर रहा हूँ। मेरे फ़ोन में सबके लिए पासवर्ड है सिवाय तेरे, सिर्फ तुम्हारे अलावा मुझे किसी और से फ़र्क नहीं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे काबिल हो कि नहीं, ये जो भी कर रहा हूँ वो मेरी माँ के लिए, तेरे लिए और मेरे भाई के लिए। एक दिन तो तेरा नाम रोशन करूँगा मैं, ये वादा है मेरा।